तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों की मौत को लेकर पूरा देश इस समय सदमे में है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत तमाम मृतकों का अंतिम संस्कार सैन्य और पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है मुंबई से सटे दहीसर और मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बीच की, जहां सेना के एक 26 वर्षीय जवान की ट्रेन की चपेट में आने के चलते मौत हो गई। जिस किसी ने भी इस खबर को सुना वो सदमे में आ गया। इस जवान का शव दहीसर और मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बीच मिला है, 31 साल, तो पहले इसे 26 साल बताया जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 31 साल के इस जवान का नाम भूपेंद्र सिंह टोकस था। बताया जाता है कि टोकस पिछले एक सप्ताह से लापता थे। इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई के कफपरट पुलिस स्टेशन में 30 नवंबर को ही दर्ज कराई गई थी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए वसई रेलवे पुलिस के अधिकारी सचिन इंगोले ने कहा कि भूपेंद्र सिंह टोकस मीरा रोड और दहीसर स्टेशनों के बीच रेल पटरियों को पार करते वक्त उसकी चपेट में आ गए। जीआरपी के कर्मी उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उन्हें डॉक्टरों ने इलाज से पहले ही मृत घोषित कर दिया। इंगोले ने बताया कि ये इंडियन आर्मी के लुधियाना यूनिट के सदस्य थे, जो एक विभागीय कोर्स करने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन ये अचानक लापता हो गए, जिसके बाद इनके खिलाफ मिसिंग की रिपोर्ट मुंबई के कफपरट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। ये जवान आखिर इतने दिनों तक कहां लापता थे? इस जवान की मौत हादसे में कैसे हुई, या फिर इसने आत्महत्या की है? इन तमाम पहलुओं पर पुलिस की पैनी नजर है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वसई रोड रेलवे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मीरा रोड और दहीसर स्टेशन के बीच में एक एक्सप्रेस गाड़ी से एक्सीडेंट होके एक शख्स की मृत्यु हुई थी। इसकी जानकारी मिलते ही हमारे पुलिसकर्मियों ने जो मयत जो मृत्यु हुआ है उसका मृतदेह ताबे में लेके वसई रोड रेलवे पुलिस स्टेशन एक्सीडेंटल डेथ 120/2021 रजिस्टर करके उसकी इंक्वायरी चालू की है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो बांद्रा से गाजीपुर जाने वाली ट्रेन है, उससे एक्सीडेंट हुआ है। और ये जो शख्स था वो हमारी जानकारी से हमने जो इंक्वायरी किया वो इंडियन आर्मी में लुधियाना यूनिट में काम करता था, लेकिन मुंबई में वो डिपार्टमेंटल कोर्स के लिए आया था, लेकिन वो 30 नवंबर से वहाँ से चला गया था। उसके बाद कफपरट पुलिस स्टेशन में वो मिसिंग है करके एक कंप्लेंट दर्ज हुआ था। उसके बाद कल यहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट रिलेट हो गया। उनकी बॉडी पोस्टमार्टम करके उनके जो रिश्तेदार है उनके ताबे में दी गई है।